लेक्चर देना है वो हमारा लेक्चर है एक्सट्रैक्शन और क्रोमैटोग्राफी के बारे में। और एक्सट्रैक्शन और क्रोमैटोग्राफी जो है ये फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं। तो एक्सट्रैक्शन जो है इट इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोसीजर है जिसमें केमिस्ट्री का जिसमें इन्वॉल्व है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉलिबिलिटी इन टू डिफरेंट इनमिसिबल सॉल्वेंट्स और लिक्विड्स। इनमिसिबल का मतलब होता है गैर हल पजीर और मिसिबल का मतलब होता है हल पजीर। तो एक्सट्रैक्शन का मतलब उर्दू में मतलब जो है वो ये है कि हमने किसी चीज का निचोड़ मतलब लेना है। जैसे कि कहते हैं कि ये रोज वाटर है, ये गुलाब का एक्सट्रैक्ट है, ये नीम का एक्सट्रैक्ट है, ये जो है मतलब इस जड़ी बूटी का एक्सट्रैक्ट है, ये अरके मको है, डिफरेंट हकीमों के होते हैं। तो उसमें ये होता है कि उस चीज के अंदर से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और फिर उसके जरिए मतलब बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो एक्सट्रैक्शन एक कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर है जिसमें एपीआई जो है ना उसको रिमूव किया जाता है क्रूड ड्रग में से। एंड व्हाट इज क्रूड ड्रग? क्रूड ड्रग जो है वो एक मतलब एक रॉ फॉर्म में हासिल की गई एनिमल या प्लांट ओरिजिन से हासिल की गई ड्रग है। जैसे कि सौंफ सौंफ हो गई या कोई अदरक हो गई या बादाम हो गया या जो भी चीजें हैं पुदीना है ये सब क्रूड ड्रग्स में आती हैं। मेनस्ट्रूम का मतलब होता है वो लिक्विड जो कि एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर के अंदर इस्तेमाल होता है उसे मेनस्ट्रूम कहते हैं। मार्क का मतलब है जो वेस्ट मटेरियल है जो पीछे बच जाता है उसे मार्क कहते हैं। नीड फॉर एक्सट्रैक्शन है कि हमें इसकी क्यों जरूरत है? हमें इसलिए जरूरत है कि हम सिर्फ वो चीज खा लें जो उसका एक्सट्रैक्ट है, हमें पूरी ना खानी पड़े। तो डिफरेंट मेडिकेशन में यूज होते हैं कि जिस तरह आप हर्बल मेडिसिन देखते हैं कि वो कहेगा इसमें गुलाब का एक्सट्रैक्ट है, इसमें ये अरके ये है, तो वो इसलिए है कि भाई ये सारी बीमारियों को दूर करेगा। जिस तरह एक बड़ी मशहूर एक है खून को साफ करने की साफी है, उसमें मुख्तलिफ पौधों का एक्सट्रैक्ट होता है। तो एडवांटेजेस ये है कि इसके जरिए हम पोटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। पोटेंसी का मतलब होता है किसी चीज की पावर, उसकी मतलब कंसंट्रेशन, डिटेरियोरेशन यानी कि गलने सड़ने से बचा सकते हैं चीजों को, और डोजेज फॉर्म में बाद में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, टेबलेट कैप्सूल और इंजेक्शन बना सकते हैं। डोजेज फॉर्म ऑफ प्यूरिफाइड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन नॉन प्यूरिफाइड, क्योंकि प्यूरिफाइड फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है, नॉन प्यूरिफाइड फॉर्म कम स्टेबल होती है। और इसके अलावा उसने कहा कि ड्रग जब रॉ फॉर्म में यूज होती है तो उनके एडवर्स इफेक्ट जो है वो ज्यादा होते हैं, और अगर हम एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। थ्योरी ऑफ एक्सट्रैक्शन है कि आपने सबसे पहले जो ड्रग लेनी है, फॉर एग्जाम्पल हम सौंफ का एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं तो हमें उसकी साइज रिडक्शन करनी है पहले पॉइंट में। दूसरे में हमने क्या करना है, सूटेबल सॉल्वेंट को सिलेक्ट करना, मतलब वाटर या अल्कोहल जिस चीज को भी हम सिलेक्ट करना चाहें। पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इन टू द क्रूड ड्रग, हमने सॉल्वेंट को क्रूड ड्रग के अंदर एंटर करना है। उसके बाद है कि हमने राइट पोजीशन पे सोल्यूशन को मतलब हासिल करना है, और फिर उसके बाद हमने सेपरेट कर लेना है मार्क में से, और फिर उसके बाद इवेपोरेशन करनी है। तो इसमें इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसिलेशन, परकुलेशन, डाइजेशन और कंटिन्यूस सॉल्ट एक्सट्रैक्शन, ये 6 मेथड है एक्सट्रैक्शन के। इन्फ्यूजन मेथड में ये होता है कि आपका गरम गरम मेंस्ट्रूम जो है ना वो पोर किया जाता है क्रूड ड्रग के ऊपर, और मतलब गरम पानी को प्योर ड्रग के ऊपर प्योर करना फिर सूटेबल टाइम में, और फिर उसे फिल्टर कर लेते हैं। डिकॉक्शन में ये होता है कि डिकॉक्शन का मतलब है कहवा बनाना। तो उसमें ये है कि जो क्रूड ड्रग है और वो जो लिक्विड है जिसके अंदर से हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना है उसको इकट्ठा बॉयल किया जाता है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। मैसीरेशन का मतलब ये होता है कि इसमें प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ड्रग को पाउडर करके उसको भिगो दिया जाता है, डीप कर दिया जाता है मेंस्ट्रूम में 2 से 14 दिन के लिए। जब वो डीप कर देते हैं ना 2 से 14 दिन, तो जितना भी उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना वो उस लिक्विड में आ जाता है, और बाद में हम उसे फिल्टर करके जो लेफ्ट ओवर होता है उसको फेंक देते हैं और वो लिक्विड को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। परकुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फाइन पाउडर ऑफ ड्रग को पैक किया जाता है कॉलम के अंदर, और फिर उसके बाद कॉलम जो होता है वो सूटेबल सिलेक्शन का यूज करते हैं और वो मेंस्ट्रूम को जो है ना परकुलेट कर देता है। ठीक है, आगे है डाइजेशन। डाइजेशन जो है ये भी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैसीरेशन है का जो इफेक्ट है और वो जो है ना प्रोसीजर है इसमें हीट अप्लाई करते हैं। कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन है जिसमें आपको एक अपरेटस इस्तेमाल करना होता है, उस अपरेटस को कहते हैं सॉक्सलेट अपरेटस, और वो डिस्टिलेशन अपरेटस की तरह ही होता है, और उसको इस तरह से हॉट कंडीशन में ड्रग को हासिल किया जाता है। तो ये बाकायदा इनके अलग अलग उन्होंने मेथड दिए हैं अब कैसे करते हैं। इन्फ्यूजन का डिटेल उन्होंने बताई है,
एक्स्ट्रा इसका क्वेश्चन में पेपर पेपर में जो क्वेश्चन है वो इस तरह का आ सकता है कि भाई राइट अ नोट ऑन इन्फ्यूजन, तो आपको 5 नंबर का, या डिकॉक्शन या परकुलेशन कोई भी टॉपिक आ सकता है, बाकी इनकी डेफिनेशन भी आ सकती है। तो एक्सट्रैक्ट अगर इस तरह तैयार करते हैं हम इन्फ्यूजन की मदद से, तो उसकी हाफ लाइफ 24 घंटा है, मतलब 24 घंटे के बाद वो एक्सट्रैक्ट जो है वो जाया हो जाता है। उसके बाद अपरेटस जो है इसमें का बर्नर फिल्टर पेपर बीकर इस्तेमाल होता है। प्रोसीजर है, सबसे पहले ड्रग को आपने चेक करना है, फिर आपने जो है ना उसको कट करना है, फिर उसके बाद उसने कहा इसमें आपने अगर वो ड्रग सॉफ्ट नेचर की है तो आपने उसको थ्रेड के साथ बाउंड करना है और इन्फ्यूज करना है, मतलब जैसे टी बैग होता है, टी बैग में क्या होता है कैफीन होती है, या कोई कावे वाले आजकल टी बैग आते हैं जैसे ग्रीन टी के होते हैं, तो उसका क्या करते हैं कि हम उसे कप में डालते हैं, उसको गर्म गर्म पानी डालते हैं, फिर उसे थोड़ा ढक दें आप, थोड़ी देर के बाद वो आपकी तैयार हो जाता है एक्सट्रैक्ट, मतलब जो उस पत्तों में होता है पत्ते फेंक देते हैं बाद में, वो टी बैग फेंक देते हैं। सो दिस इज द सेम मेथड लाइक इन्फ्यूजन। नाउ द मेंस रूम विल बी वार्म, 200 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म पानी इसमें डाला जाएगा, पानी हो सकता है, इसके अलावा और लिक्विड भी इसमें यूज होते हैं। डिकॉक्शन, डिकॉक्शन वही बताया कि जिसमें ड्रग और उसको इकट्ठा बॉयल करते हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। आगे ये बड़ा आसान तरीका है कि भाई इसमें वाटर को यूज करते हैं और उसके बाद उसने कहा कि ये जो ड्रग जो इसमें यूज करनी है वो हीट स्टेबल होनी चाहिए, और ड्रग को वही पीसीस करते हैं, लार्ज बीकर 1000 ml के बीकर में ऐड करते हैं, फिर उसके बाद उसको बर्नर से गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद बस फिर वो हम उसको रख फिल्टर कर लेते हैं, और ये भी तकरीबन 24 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई डिकॉक्शन की ऑफिशियल एग्जाम्पल मौजूद नहीं है आईपी और बीपी में। आईपी इंटरनेशनल फार्माकोपिया एंड बीपी इज द ब्रिटिश फार्माकोपिया। मैसीलेशन है जिसमें 2 से 14 दिन के लिए ड्रग को भिगो देते हैं, और फिर उसके बाद उसने कहा 2 से 14 दिन के बाद आप उसको, क्योंकि जब 2 से 14 दिन आप भिगो देंगे ना तो जो पाउडर है वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसके सेलुलर स्ट्रक्चर जो है, फिर पाउच को आपने रिमूव कर देना है और एक्सट्रैक्ट जितना भी है उसको फाइनली वॉल्यूम को आपने एडजस्ट कर देना है। टाइप ऑफ मैसीलेशन है कि ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और मल्टीपल मैसीलेशन। सिंपल मैसीलेशन है, इसमें फॉलोइंग स्टेप्स हैं 1 से लेकर 9 तक, कि ड्रग को सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है कोर्स पाउडर में, कोर्स का मतलब है मोटे जर्रात में, रेदर देन फाइन मतलब बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना, कोर्स पाउडर बनाना है। उसके बाद आपने पाउच लेना है और फिर आपने उस कोर्स पार्टिकल को उसके अंदर, पाउच का मतलब है यानी कि थैले ही बनानी है जैसे कपड़े की होती है, तो इस तरह से मलमल के कपड़े में बंद करके उसको, फिर आपने सूटेबल मेंस्ट्रुम यानी लिक्विड सिलेक्ट करना है, उसमें आपने 7 से 14 दिन के लिए आपने भिगो देना, पहले 7 दिन भिगोना है, उसके बाद उसने कहा कि फिर आपने प्रेस करना है और फिर दोबारा से उसी पोटली को आ, आ, जो है ना फिर वो जाया कर देना, उसके बाद वॉल्यूम एडजस्ट करना है। नेक्स्ट है मैसिलेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज। देखिए ऑर्गेनाइज ड्रग का मतलब है जिसके स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर ठीक हो, अनऑर्गेनाइज का मतलब है जिसका सेलुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका हो, जैसे गम अकेशिया, ट्रैगाकैंथ, ये सब कुछ अनऑर्गेनाइज ड्रग्स हैं, और ऑर्गेनाइज में पत्ते आ जाते हैं, तुलसी के पत्ते हो गए, या फिर कोई भी मतलब सेना लीव्स और पुदीना, ये ऑर्गेनाइज ड्रग्स हैं। अनऑर्गेनाइज ड्रग के लिए उसने कहा कि आपने सबसे पहले कम्बिनेशन करनी है, इसकी फाइन पाउडर बनाना है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी अगर वो ड्रग गम या एलो या गम रेजिन है तो फिर पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है, कम्युनिशन का मतलब है पाउडर बनाना। उसके बाद उसने कहा कि जी आपने इसे पाउच में डाल देना है, फिर आपने 3/4 हिस्सा मेंस्ट्रुम में इसको भिगोना है, और फिर 2 से 7 दिन तक मतलब उसे भिगोए रखना है, और फिर उसको मतलब फिल्टर कर लेना है और प्रेस कर लेना है। नेक्स्ट है मल्टीपल मैसीरेशन। मल्टीपल मैसीरेशन यही होती है जैसे मैसीरेशन होती है, बस इसमें डबल ट्रिपल मैसीरेशन होती है, मतलब एक दफा पहले करते हैं फिर दोबारा करते हैं, तो जो रिमेनिंग भी अगर उसमें इंग्रेडिएंट कोई बचा हुआ है ना तो वो भी आ जाता है। तो उसने कहा कि वही पहले वाला तरीका कि भाई डिप करना है, उसमें जो मेंस्ट्रुम है ना उसके 2 पोर्शन करने हैं, ए और बी, मतलब उस लिक्विड के 2 हिस्से करने हैं, एक हिस्से में पहले 7 दिन के लिए भिगोनी है ड्रग और फिर निकाल लेनी है प्रेस करके, फिर बी वाले में दबोनी है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और फिर बाद में वॉल्यूम को एडजस्ट कर लेना है। ट्रिपल मैसिलेशन में यह कि आपने मेंस्ट्रुम को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, बाकी प्रोसीजर सेम है। परकुलेशन इसमें यह होता है कि एक वेजल इस्तेमाल की जाती है, उसे कहते हैं परकुलेटर, जो है ना वो कम्युनिटी ड्रग को इनक्लोज किया जाता है वेजल में और फिर उसको पास थ्रू किया जाता है, और एक्सट्रैक्ट जो है हम ऑब्टेन करते हैं परकुलेशन के जरिए, उसे परकुलेट कहते हैं, और प्रॉपर प्रोसीजर इसका एक्सप्लेन किया हुआ है। कम्युनिशन है ड्रग की, कम्युनिशन का मतलब है बारीक करना,
और सुटेबल साइज रिडक्शन के जरिए हम ये काम करते हैं। और उसके बाद है मॉइस्टनिंग ऑफ ड्रग इम्बाइबेशन। इसमें ये होता है कि पाउडर ड्रग को लिटल अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुम में 4 घंटे के लिए रख देते हैं, उससे वो फूल जाती है, तो उसे कहते हैं इम्बाइबेशन, यानी फूल जाना। जैसे किशमिश शेल से आपने पानी में डाल दिया, आपने 1 घंटे बाद देखा वो मोटी मोटी अंगूर की तरह हो जाती है, तो इम्बाइबेशन भी सेम इसी तरह का एक अमल है। मतलब है जिसमें ओपन होगा वो नॉन वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स के लिए होता है, वोलेटाइल जो हवा में उड़ जाते हैं, और क्लोज परकुलेटर जो है वो वोलेटाइल ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है। इसमें वही पैकिंग होती है, मैसिरेशन, परकुलेशन, ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन है, इसमें यही है कि ड्रग चैम्बर है, मेंस्ट्रूम है, उसे फ्लास्क में रखा हुआ है, ऊपर कंडेंसर लगाया हुआ होता है जैसे डिस्टिलेशन में होता है। वो फिर जब जैसे ही वो ऊपर जाते हैं बुखारात बन के, फिर वो कलेक्ट हो जाते हैं एक साइड पे, तो एक्सट्रैक्ट अलहदा से हमें मिलता रहता है। तो ये इसका प्रोसीजर है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा ये एक्सट्रैक्शन का टॉपिक कंप्लीट है। अल्लाह हाफिज। वे।